बिहार विधानसभा के चुनाव के अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसी को देखते हुए सारी पार्टियों ने चुनाव में दमखम लगा दिया है। लगातार हर पार्टी वर्चुअल रैली कर रही है, साथ ही साथ छोटी छोटी आम सभा भी की जा रही है। इसी क्रम में बिहार विधानसभा से राजद प्रत्याशी धर्मेंद्र चंद्रवंशी लगातार आम सभा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है। साथ ही साथ उन्होंने वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिन्हा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में कुम्हार विधानसभा का कोई विकास नहीं हुआ। आप गली में घूमकर देख सकते हैं कि गली की क्या हालात हैं। 2019 में जिस तरह से जल जमाव हुआ उसका सारा श्रेय वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिन्हा को जाता है। आइए हम आपको सुनाते हैं मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी ने क्या क्या कहा। पटना से मनोज कुमार की रिपोर्ट। कि अगर वो तो मुंह छुपाए घूम रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो पहले भी नहीं आते थे और इस बार चूंकि बाढ़ में उन्होंने कुछ नहीं किया, कोरोना काल में यहाँ के स्थानीय लोग ही एक दूसरे के काम आए, न सरकारी योजना काम आई न स्थानीय विधायक काम आए। विधायक अभी मुंह छिपाए घूम रहे हैं, पता नहीं, हमको तो उम्मीद करते ऐसा उम्मीद कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय निवासी कि वो वोट मांगने भी किसी के पास नहीं आएंगे शर्म के मारे। कुम्हार विधानसभा से पप्पू जी का जो पार्टी जाप है वो भी खड़ा है, उनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। आप भी कोई भी किन्हीं का भी जिनको भी जिन्होंने भी कुछ काम किया है या जिनको काम करने की इच्छा है वो उम्मीदवार बन सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, यह एक अच्छी पहल है, अच्छी बात है। आप जीत का दावा करते हैं विधानसभा से? जीत का दावा तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का जो जन समर्थन देखने को मिल रहा है, अगर उन लोगों का जन समर्थन आशीर्वाद के रूप में अगर मिला तो जरूर जीतूंगा। कोई जनता को क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या मैनिफेस्टो है जिसपे आपको जनता वोट दे इस बार? आप मुझे देखकर वोट मत दीजिए, मैं जनता से यही अपील करता हूँ। आप यहाँ के टूटी सड़कों को, जल जमाव को, यहाँ की जो नरकीय स्थिति है उसको देखकर वोट कीजिए, बदलाव लाइए। पिछले 25-30 साल में जो यहाँ विनाश का जो चल रहा है क्रम, उस विनाश के क्रम को तोड़ दीजिए। बीजेपी ने पूरे देश में विनाश किया और कुम्हार विधानसभा क्षेत्र को तो एकदम खत्म कर दिया। अगर ये सैदपुर नाला देखिए कितनी गंदगी है नाले के अंदर, उसको अगर ऊपर से कवर कर दिया जाए, रोड बना दिया जाए, तो एक अशोक राजपथ का सब्स्टिट्यूट भी बनेगा। इस नाले के वजह से डेंगू जैसे इतनी सारी गंभीर बीमारियां हो रही है, देखकर शर्म आता है कि हम लोग कुम्हार विधानसभा क्षेत्र में, जो कि पटना महानगर का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ हैं, उपस्थित हैं। समस्याओं को लेकर मुझे बता रहे हैं और उनके समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिला है। यहाँ पे समस्याएं एक नहीं, अनेक हैं। अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा बदसूरत और जल जमाव से भरा हुआ सबसे खराब विधानसभा क्षेत्र है अगर, तो वो है कुम्हार विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ पे बीजेपी का हमेशा से कब्जा रहा, पिछले करीब 25-30 सालों से। हमारे जो डिप्टी सीएम हैं माननीय सुशील कुमार मोदी जी, वो भी दो बार यहाँ से विधायक रहे और उसके बाद अरुण सिन्हा जी तीन बार रहे हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ की स्थिति है वो, अगर पूरे बिहार में आप लोग पत्रकार हैं, पूरे बिहार में घूमते हैं, पूरे बिहार में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी के गांव की भी रोडों की स्थिति ऐसी दयनीय नहीं है जो कि यहाँ पर है। न पेयजल की सुविधा है, न सरकारी जितनी भी राज्य सरकार की सुविधाएँ हैं या केंद्र सरकार की, उसको भी यहाँ पर धरातल पर लाने का काम स्थानीय विधायक ने नहीं किया। जो यहाँ के डिप्टी सीएम साहब हैं, जिनका जो अपना घर है इसी कुम्हार विधानसभा क्षेत्र में, वो पिछले साल जब यहाँ पे बाढ़ आया था तो उसमें वो अकेले अपने आप को रेस्क्यू किए और अपने पड़ोसियों को बाढ़ में डूबने के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक कि शारदा सिन्हा जी को भी उन्होंने बाढ़ में डूबने के लिए मजबूर छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के, वो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों बार बार उनको मौका दे रहे हैं। एक बार नहीं, आपने 5-6 बार मौका देकर देख लिया। अब समय आ गया है कि किसी नए चेहरे को मौका दीजिए जो आपके लिए विनाश नहीं, विकास करे। आपके जो कुम्हार विधानसभा क्षेत्र है उसमें विकास की गाथा गाए और आपकी समस्याओं से रूबरू हो। अभी जब कुछ दिन पहले या आज भी मैं यहाँ घूम रहा था तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि इस बार तो जो यहाँ के विधायक हैं वो किसी भी क्षेत्र में घूमने का भी कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको शर्म आ रही है। उन्होंने कोरोना काल में भी किसी को कोई सहायता नहीं पहुंचाया।
इसलिए वो कहीं जाने के लायक भी नहीं है, ना किसी से वोट मांगने के लायक है। आप यहाँ के लिए अगर आप बनते हैं जीत के अगर आते हैं तो आपका पहला काम मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि इस जो पटना महानगर में ये क्षेत्र आता है और सबसे बदसूरत जो यहाँ का रोड है सड़क है उसको ठीक करना, जल जमाव को परमानेंट दूर करना। सैदपुर का जो नाला है उस नाले में कितनी गंदगियाँ हैं, मच्छर मक्खी सब है वहाँ, डेंगू का प्रकोप हो जाता है हर साल, उस सैदपुर नाला को ढक दिया जाए और ट्रैफिक का सिस्टम को ठीक किया जाए। तीसरा है कि अगर यहाँ पे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका भी यहाँ पे अच्छे से धरातल पे उसको लाया नहीं जा पा रहा है यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं यहाँ उनको पक्का मकान बनाकर दिया जाए। ये केंद्र सरकार की भी योजना हमेशा से रही है पिछले 40 साल से, इंदिरा आवास के अंतर्गत उनको पक्का मकान दिया जाता है, जो गरीब वर्ग के हैं वंचित वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं। और हमारी जो सरकार बनकर आई अगर महागठबंधन की, तो जो हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं माननीय श्री तेजस्वी जी, उनका कहना है, उनका एक सोच है कि पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा उसमें 10 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पहल है। इमरार विधानसभा युवाओं का हब माना जाता है, तो क्या आप युवाओं के लिए क्या इस विधानसभा क्षेत्र में करेंगे? प्रश्न बहुत अच्छा है कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा युवा हैं, जितने भी बिहार में पढ़ने लिखने के लिए लोग आते हैं शिक्षा के लिए वो सब कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में ही रहकर अपना पढ़ाई पूरा करते हैं और यहीं से वो UPSC कम्प्लीट करते हैं और उसमें सफलता हासिल करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा विडम्बना भी है कि इस विधानसभा क्षेत्र पे पता नहीं क्यों सरकार ने ध्यान नहीं दिया और यहाँ के स्थानीय निवासी भी उतने जागरूक नहीं हो पाए। मैं तमाम युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस पर जागरूक हो, एक मौका मिला है आपको, मौका को छोड़े नहीं, मौका पे चौका नहीं छक्का जड़े। सर आप उनके लिए करेंगे क्या, कैसे छात्रावास की विधानसभा? मैं बता रहा हूँ कि कोरोना काल में जितने भी छात्रावास है वो बंद है क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है और इस विधानसभा क्षेत्र का आय का बहुत बड़ा स्रोत एक छात्रावास है। मैं हमेशा इस पहल में लगा हुआ हूँ कि जितनी जल्दी हो सके, जब सब कुछ सिनेमा हॉल तक खुल गया तो छात्रावास क्यों नहीं खुल रहा है। पढ़ाई का सिस्टम आप देख लीजिए कि इंडिया से बाहर वहाँ पढ़ाई शुरू हुई है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाई यहाँ भी शुरू हो, छात्रावास को खोल दिया जाए। जब चुनाव हो सकता है तो छात्रावास क्यों नहीं खोला जा सकता, पढ़ाई क्यों नहीं हो सकता? पहली बार कुम्हरार विधानसभा में राजद ने अपना प्रत्याशी दिया है और इस बार कुम्हरार की जनता ने मन बना लिया है विधायक को बदलने का, क्योंकि ये जो वर्तमान विधायक हैं पूरी तरह से निकम्मे हैं, कोई काम के नहीं है, पूरा जनता उब चुकी है इनके कामों से, कभी ये दर्शन नहीं देते हैं, सिर्फ ये शादी विवाह में ही आते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग पत्रकार हैं, पिछले जल जमाव में ये नदारद थे, यहाँ के डिप्टी CM नदारद थे और पूरी जनता त्राहिमाम हो चुकी थी, कोरोना काल में भी ये अनुपस्थित थे, इसलिए कुम्हरार की जनता ने अब कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बार राष्ट्रीय जनता दल का विधायक कुम्हरार विधानसभा का होगा, भाजपा का सिटिंग सीट रहा है ना, लेकिन अब इस बार भाजपा का सीटिंग नहीं रहेगा, इस बार यहाँ का विधायक राजद का होगा, क्योंकि पूरे बिहार ने साम्राज्य को कैसे दूर करोगे, भाजपा का ये जड़ माना जाता है कुम्हरार विधानसभा, तो साम्राज्य को तोड़ने के लिए एक अलग रणनीति होनी चाहिए। भाजपा का जो घर यहाँ की जनता ने ही दिया था और यहाँ की जनता ही मालिक है, यहाँ की जनता ही ने इस बार मन बना दिया है। आप देखे होंगे पिछले कोरोना काल में वर्तमान विधायक को खदरने का काम किया था यहाँ की जनता का, इसलिए इस बार युवाओं ने भी मन बना लिया है कि युवा सोच नया बिहार और सबसे सुंदर अपना कुम्हरार, इसी सोच के साथ इस बार कुम्हरार विधानसभा में राजद की विधायक हो गए और काफ़ी अंतर के मतों से भाई धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी विजय होकर विधानसभा जाएंगे और कुम्हरार का जो तस्वीर है, यहाँ का तकदीर है, वो बदलने का काम करेंगे। मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश सचिव